हाय, क्या आप एक अनट्रेंड सिंगर हो? अगर जवाब है हाँ तो ये रील सेव कर लेना, क्योंकि आप एक अनट्रेंड सिंगर हो तो जब भी आप गाते हो तो ज़्यादातर चीज़ें अपने आप होती हैं, इनवॉलेंट्रीली होती हैं, जिस पे आपका कोई वश नहीं होता, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एक अनट्रेंड सिंगर की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो कभी भी ब्रीदिंग को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उसको लगता है गाना एक अलग चीज़ है और ब्रीदिंग एक अलग चीज़ है। जबकि मैं आपको बताऊं, जब भी आप गाते हो आप एक तरह का एक्सेलेशन कर रहे हो, आप सांसों को छोड़ रहे हो। क्योंकि आप एक अनट्रेंड सिंगर हो तो आपकी बॉडी इनवॉलेंट्रीली काम करती है, और ये लैक ऑफ ब्रेथ को कॉम्पनसेट करने के लिए वो ऐसी मसल्स को इन्वॉल्व कर लेती है, एंगेज कर लेती है, जो कि सिंगिंग के लिए बनी ही नहीं है। सिंगिंग को करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है ब्रेथ सपोर्ट, दूसरा होता है एयर फ्लो। अगर हमारा एयर फ्लो ठीक नहीं है तो भी हमारा गाना अच्छा नहीं होगा। अगर हमारे को कॉन्स्टेंट ब्रेथ सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो भी गाना हमारा अच्छा नहीं होगा। ब्रेथ सपोर्ट का मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं ये पावर बैंक जो है ये आपकी आवाज़ है। इस आवाज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट देने की ज़रूरत है, जो मैं अपने हाथों से इस वक्त दे रहा हूँ। तो हम इमेजिन करेंगे कि ये जो पावर बैंक है इस वक्त, ये आपकी आवाज़ है। इस आवाज़ को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए हमें ब्रेथ सपोर्ट की ज़रूरत है और राइट फोर्स की ज़रूरत है, जिस फोर्स से ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेथ सपोर्ट है, अगर आपका ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपकी आवाज़ कांपेगी भी ज़्यादा और सही जगह पे पहुँचेगी भी नहीं। ठीक है, राइट ब्रेथ सपोर्ट और एयर फ्लो आपके गाने में एक्सप्रेशंस में भी हेल्प करता है। जब आप तरह तरह के गाने गाते हो तो कई बार एयर फ्लो अलग होता है और ब्रेथ सपोर्ट भी अलग है। कभी हमें सॉलिड आवाज में गाना है और बहुत पावर के साथ गाना है तो ब्रेथ सपोर्ट बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है। कभी हमें थोड़ा कोई रिलैक्स काइंड ऑफ सॉन्ग गाना है तो थोड़ा सा वो सपोर्ट हल्का सा कम होता है, जिसकी वजह से थोड़ी एयरीनेस आपकी आवाज में आती है, सुनाई देती है। अच्छे सिंगर को ब्रेथ सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, एयर फ्लो के बारे में पता होना चाहिए, ओवरऑल उसकी ब्रीदिंग जो है वो सेटल्ड होनी चाहिए, सो दैट वो मसल्स ना यूटिलाइज हों जो काम की नहीं है, बल्कि वो मसल्स यूटिलाइज हों जिसकी वजह से उसका गाना और निखर पाए, उसकी वॉल्यूम भी अच्छी हो, उसका टोन भी अच्छा हो और आप अच्छे से गाने को आर्टिकुलेट कर पाओ। राइट आर्टिकुलेशन लीड्स टू फोनेशन। अब आप पूछेंगे फोनेशन क्या होता है, एक रील में नहीं बता पाऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चंस बिलो डाउन इन द कमेंट।